माय व्यवर्स माइन रिज़वान चीमा फाउंडर एंड सी ऑफ मकान सोलूशन प्राइवेट लिमिटेड आपका सफ़र प्लाट से मकान तक इस वीडियो में आपको मैं एक इस्लाम में दूसरी सोसाइटी है जिसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस्लाम आबाद रावल पिंडी की डोमे में डिफरेंट सोसाइटीज़ आए दिन शुरू होती हैं और इसमें कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो बहुत होती है, होती है जो प्रामिनेंट होती हैं कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो बिल्कुल प्रोमिनंट नहीं होती है. तो आपको कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेन करूँगा जिसमें आपको की पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सिक्योर हो सकती है बट के बल्कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अलावा आप अगर एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप उसमें बड़ा अच्छी बड़ा जल्दी और बड़ा अच्छा पोजिशन भी कर सकते हैं जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल हो सकती है बट इन केस यू आर थिंकिंग अबाउट एंड यूजर आप अपना घर बनाना चाहते हैं इस्लाम के डोमेन में तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको मद्देनजर रख सकते हैं तो सोसाइटी का नाम है नोवा सिटी नोवा सिटी के जो मैं आपको पांच is is City, की पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा नंबर वट इज द लोकेशन ऑफ नोवा सिटी के नोवा सिटी की लोकेशन जो है वो कहां पे वाक्य है नंबर टू इज हु इज़ द डेवेल्पर ऑफ नोवा सिटी कि नोवा सिटी के जो डेवेलपर हैं या कौन ऑनर हैं जिनकी जेब में आपका पैसा जाएगा वो कौन है नंबर थ्री इज के वट वर द लॉन्च प्राइजिज और प्री लॉन्च प्राइसिस इन नोवा सिटी कि नोवा सिटी में अर्ली डेज में जब प्री लॉन्च डेट्स पर लॉन्च किया गया उसमें उस वक्त क्या रेट्स हैं नंबर फोर वट आर द करंट प्राइसिस इन नोवा सिटी एंड नंबर फाइव इज के वट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन नोवा सिटी अभी जो पांच मैंने की पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए इन पांचों की पॉइंट्स में आपको काफी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आप जो एक वर्किंग कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले तो ये पांच की पॉइंट्स आपको बड़ा क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसका फ्यूचर क्या है और उस फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ जाकर स्टैंड करेगी आइर इट विल बी सिक्योर इन्वेस्टमेंट और इट विल बी अ लॉस इन्वेस्टमेंट तो आपको इन्वेस्टमेंट में इन पाँच की पॉइंट्स का बड़ा अहम रोल होता है नंबर वन जी सबसे पहले टॉपिक बात करते हैं व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ नोवा सिटी नोवा सिटी की लोकेशन क्या है नोवा सिटी की लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि देर आर की पॉइंट्स देर आर थ्री की पॉइंट्स इन रियल स्टेट नंबर वन इज़ लोकेशन नंबर टू इज़ लोकेशन एंड नंबर थ्री इज लोकेशन दैट इज सेट बाई डोनाल्ड ट्रंप द एक्स यूज प्रेजिडेंट एंड द टाइकून रियल स्टेट इन यू एस के लोकेशन सोसाइटी की बहुत ज़्यादा अहम होती है वो कैसे अहम होती है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ लोकेशन इसलिए अहम होती है कि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है वो इस बात पे डिपेंड कर रही होती है कि वो जो लोकेशन है सोसाइटी की उसकी फ्यूचरिस्टिक डिमांड क्या होगी वो डिमांड जो होती है सिर्फ प्योरली बेस्ड होती है लोकेशन बेस्ड अगर आपकी सोसाइटी या कोई भी आप प्लॉट बाय रहे हैं सोसाइटी के अंदर एक अच्छी प्रोमिनेंट लोकेशन पे है तो उसकी मार्केट की डिमांड कभी कम नहीं होती उसकी मार्केट की डिमांड कभी कम होने के चांसेस नहीं है उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो होती है वो होती है कि मार्केट में लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि ऐसी जगह पर ऐसी लोकेशन पर सोसाइटी हो या ऐसी लोकेशन पर प्लाट हो या घर हो जहाँ से उनको विद इन सिटी सेंटर सिटी डाउनटाउन कम्यूट में आसानी हो और बाकी उनको जो जितनी ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो बिल्कुल नियर बाई डिस्टेंस पर अवेलेबल हों तो लोकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करती है इस केस में नोवा सिटी की अगर लोकेशन की बात करें तो नोवा सिटी जो है वो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्कुल बैक साइड पे है और न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बैक साइड पे होने के साथ साथ इसको एडवांटेज ये है कि नोवा सिटी का जो फ्रंट है वो डी ए खान हकला मोटरवे के ऊपर है अब डी ए खान हकला मोटरवे के ऊपर आमतौर पर सोसाइटीज़ जो है वो इससे पहले नहीं है ये पहली सोसाइटी होगी जिसका अपना फ्रंट होगा और अपना इंटरचेंज होगा ऑन द डी ए खान मेन हकला मोटरवे और दूसरी इस्लाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रेमिसज में होने का इसका एडवांटेज ये होगा कि इस्लाबाद इंटरनेशनल प्रेमिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रेमिसज के अंदर जितनी भी सोसाइटियाँ हैं अगर आप सब पिछले दस साल का रिकॉर्ड निकालें तो आपको रिकॉर्ड में मिलता है कि उन सोसाइटीज़ पे वन थाउजेंड परसेंट टू हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड परसेंट उन पर अप्रिसिएशन आया है और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अब एग्जांपल के तौर पे जो टॉप सिटी है मुताज सिटी यहाँ पे एक वक्त था कनाल का प्लॉट कॉमनली आपको पंद्रह से बीस लाख रुपए का मिलता था लेकिन कोई बाय नहीं करता था कि इस्लामाबाद से बहुत दूर है जीरो पॉइंट से बहुत दूर है डिस्टेंट है तो आप जब भी सोसाइटी देखते हैं तो डिस्टेंट था लेकिन आज की डेट में वहाँ पर रिजल्ट देखें आपको वही प्लाट तीन करोड़ का मिलता है तीन करोड़ का प्लाट है इट मीनस कि थर्टी मिलियन uh, रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है फिफ्टीन मिलियन से कन्वर्ट हुई है तो इससे आप कहेंगे टू थाउजेंड परसेंट का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उन इन्वेस्टर्स ने गेन किया है जिन्होंने यहाँ पे अर्ली डेज में इन्वेस्ट किया था इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रेमिसज में जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं हुआ था नंबर टू इसके इस लोकेशन की खास बात यह कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से कम्यूट अवेलेबल है यानी कि अगर आपने रावलपिंडी सदर ट्रैवल करना है मेट्रो बस इस अवेलेबल फ्रॉम द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप ईजी कम्यूट कर सकते हैं अगर आपने जीरो पॉइंट पर कम्यूट करना है आप ईज़िली कम्यूट कर सकते हैं मेट्रो बस अवेलेबल है अगर आपने एम टू मोटरवे से कम्यूट करना है या कहीं भी जाना है इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में कहीं भी जाना है आपको एम टू की एक्सेसिबिलिटी है बड़ा ईज़िली कम्यूट हो सकता है तो ये लोकेशन में बड़ा अहम पॉइंट बनता है कि पब्लिक रोड पे एक तो डी खान हकला मोटरवे पर इसका फ्रंट है एक तो इसका न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की प्रीमिस में फॉल करना इन एनी केस ये सोसाइटी जो है ये अपने अच्छे तरीके से लोकेशन का एडवांटेज हर लिहाज से ले जाती है अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की प्रेमिस में जो सोसाइटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो सोसाइटी कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है उनका एरिया जो है वो कॉम्प्रोमाइजेबल छोटा है कम्पेरिजन टू नोवा सिटी नोवा सिटी का फ्रंट चूंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बैक पर है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लैंड एक्वायर ऑलरेडी कर रखी है तो इस लैंड का वो एडवांटेज यह कि एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनेगा मेगा प्रोजेक्ट बनेगा और इस मेगा प्रोजेक्ट का आने वाले दिनों में रियल एस्टेट की मार्केट पर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट की मार्केट डिपेंड करती है हमेशा कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और सेकेंड मैं पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं कि उस पॉइंट में कि आपका डेवलपर जो प्रोजेक्ट है वो कौन है अब आते हैं जी सेकंड पॉइंट पे पॉइंट नंबर टू हु इज द डेवलपर ऑफ नोवा सिटी नोवा सिटी का डेवलपर जो है वो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि नोवा सिटी के जो ओनर्स हैं डेवलपर्स हैं जिसकी जिनकी ओनरशिप जिनके पास है उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है उन्होंने पास्ट में कुछ डिलीवर किया है या इधर दे आर द फर्स्ट टाइमर दे आर द बिगनर्स उनकी इसलिए भी मैटर करती है कि आपकी हार्ड अर्न मनी स्पेसिफिकली फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानीज़ इफ़ यू आर अर्निंग सम अमाउंट इन वर्किंग बाय एटीन आवर्स अ डे आप जो पैसे कमा रहे हैं आपके पैसे किसकी जेब में जाने वाले हैं, अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए जो डेवलपर की रेपुटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद रावलपिंडी की प्रीमिस में मेरे पास लड़ सी तीन सौ किनाल ज़मीन आ जाए मैं भी सोसाइटी शुरू कर दूंगा मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा या नहीं करूंगा वो डिपेंड करता है मेरे पास रिकॉर्ड पे कि मैंने पास्ट में क्या डिलीवर किया आप मेरी आप मेरे मेरे रिकॉर्ड पे ट्रस्ट क्यों करेंगे आपको पास्ट के रिजल्ट देखेंगे तब ट्रस्ट करेंगे तो जहाँ तक नोवा सिटी की बात है नोवा सिटी ने पास्ट में नोवा सिटी का एक जॉइंट फैमिली वेंचर प्रोजेक्ट था जिसका नाम था न्यू सिटी वाकेंट अब न्यू सिटी वाकेंट की अगर आप प्रोमिनसी देखें इस्लामाबाद से लेके पिशावर तक के डोमेन एम वन मोटरवे पर अगर आप जाते हैं इस्लामाबाद से लेके पिशावर तक तो इस पूरे रूट में आपको एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट नजर आता है पूरे मोटरवे पर अगर आप देखें दैट प्रोजेक्ट नेम इज़ नोवा न्यू सिटी वाक एंड अब न्यू सिटी वाक एंड की अगर आप ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट जाकर देखते हैं जमीन पर तो आपको एक बहुत बड़ा मेगा स्केल पर डेवलपमेंट जो है जमीन पर नजर आती है ये आम किसी डेवलपर के काम नहीं है अब वो न्यू सिटी वाक एंड के सेम डेवेलपर हेडेड बाई मोहम्मद जुनीद अब वो एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं नोवा सिटी के नाम से न्यू सिटी के बाद नोवा सिटी अब नोवा सिटी इनका हालांकि डायरेक्ट लिंक नहीं है वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट था डिलीवर किया अब ये दूसरा प्रोजेक्ट है तो इस दूसरे प्रोजेक्ट में उनकी जो आप पास्ट रैकेट है वो देख सकते हैं कि उन्होंने न्यू सिटी वाक एंड डिलीवर अच्छा प्रोजेक्ट कर दिया उसके बाद अब नोवा सिटी जब आएगा ऑन ग्राउंड पे तो नोवा सिटी की प्रोमिनेंसी मार्केट में बहुत अच्छी होगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 परसेंट सिक्योर हो जाती है कि एक पास्ट में डेवलपर का नाम है उन्होंने डिलीवर करके दिखाया सिर्फ़ प्रोमिनंट सी ऐसे नहीं कि वादे किए कुछ ऑन ग्राउंड डिलीवरेंस नहीं दिखाई डिलीवर करके दिखाया देन आगे आप प्रोजेक्ट आपका ट्रस्ट बनता है सेकेंड के अभी रिसेंटली लाहौर में एक एयरपोर्ट था वाल्टन एयरपोर्ट उसको गवर्नमेंट ने सेल किया उस गवर्नमेंट ने क्लोज़ किया उसको आउट ऑफ सिटी मूव कर दिया लाहौर के बाहर <coughs> अब उस एयरपोर्ट की जो लैंड थी उसमें जो प्लॉट नंबर वन है आई थिंक एरिया उसका बनता है 18 कनाल 46 करोड़ 80 लाख हिसाब से जो ग्राउंड प्लस फिफ्टी का एक मॉल है जो लाहौर का सबसे मेगा मॉल होगा लाहौर का फ्लैगशिप होगा उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द नेम ऑफ नोवा वन तो डेवलपर का नाम पाकिस्तान में इसलिए प्रोमिनेंट है ये एक जॉइंट वेंचर होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्किश डेवलपर्स तो ये एक जॉइंट वेंचर के तौर पे पाकिस्तान की मार्केट में एक बड़ा इंपैक्ट लेके आ रहे हैं कि हाँ वी आर हेयर टू डिलीवर वी आर ओनली अबाउट टू डिलीवर इस चीज़ को अगर देखें तो डेवलपर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है डेवलपर की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है कि पहले उन्हें न्यू सिटी वाकेंड ज्वाइंट वेंचर पे फैमिली के साथ उन्होंने डिलीवर किया उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट आ रहा है नोवा सिटी नोवा सिटी इस्लामाबाद एंड थर्ड इज़ न्यू नोवा वन नोवा वन के नाम से प्रोजेक्ट है इन लाहौर अब दो बड़े प्रोमिनेंट शहरों में एक पाकिस्तान कैपिटल है एक पंजाब का कैपिटल है पंजाब वो पाकिस्तान का बेटा है जो पाकिस्तान को 70 परसेंट रेवन्यू के देता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इंडस्ट्री बिजनेस हर चीज़ से पंजाब के है पंजाब कैपिटल में कलमा चौक के बिल्कुल पास इस प्रोजेक्ट डिलीवरेंस का मतलब है कि येस दे आर दे मीन बिजनेस अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर वट वर द प्री लॉन्च प्राइसिस इन नोवा सिटी नोवा सिटी में अगर प्री लॉन्च प्राइसिस की अगर बात करें तो नोवा सिटी में प्री लॉन्च प्राइज जो लॉन्च की गई थी पाँच मलाल की प्राइस थी उन्नीस लाख पचानवे हज़ार दस माला की प्राइस में बनती थी सैंतीस लाख पचास हज़ार और एक नाल के प्लाट की प्राइस थी इसमें बहत्तर लाख पचास हज़ार ट्वेंटी परसेंट डाउन पेमेंट पे आप इसको प्लॉट को बुक कर सकते थे और ट्वेंटी परसेंट फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तीन लाख सॉरी उन्नीस लाख पचानवे हज़ार का दैट इज थ्री लाख नाइनटी नाइन थाउजेंड आप दस मरला की बात करें अराउंड सेवन फिफ्टी सेवन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ और कनाल की अगर बात करें तो सेवन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेवन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मीनस के फोटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ डाउन पेमेंट देखें आप प्लॉट बुक कर सकते हैं नौ पॉइंट नंबर फोर इसके आज की डेट में नोवा सिटी की जो करंट प्राइसेस हैं जो लॉन्च प्राइसेस हैं वो क्या हैं नोवा सिटी में जो पहले प्लॉट था उन्नीस लाख पचानवे हज़ार रुपये का जो प्री लॉन्च प्राइस थी उसकी आज से जो लॉन्च रेट है दैट इज ट्वेंटी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज लाख पचास हजार रुपया उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है और इस प्रिंसिपल अमाउंट में जो है डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं इसमें एक और पॉइंट है प्राइस के वाले से वो मैं आगे जाकर पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ अब ट्वेंटी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ है पांच मरला की प्राइस अगर दस मरला प्लॉट की बात करें तो उसकी कीमत है पचास लाख रुपये और एक कनाल के प्लॉट की अगर प्राइस की बात करें तो पहले जो सेवेंटी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड था अब वो नाइनटी लाख रुपीजी है अब इन सारी प्राइस में इजाफे के बाद अगर लगसा प्री लॉन्च टेड प्लॉट बुक करें तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे जब भी एनओसी अभी नोवा सिटी का पेंडिंग एनओसी है उसमें एनओसी नहीं आया और उसका लीगल स्टेटस जो है वो भी इन है अभी उसमें अप्रूवल नहीं आया जब आगे जाकर उसका अप्रूवल आएगा अगले महीने डेढ़ दो महीने में जब भी आएगा और मोटरवे पर इंटरचेंज बनेगा तो आप इसमें बड़ा अच्छा रैपिडली गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये नोवा सिटी के बिल्कुल प्री जो बिल्कुल प्री लॉन्च रेट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ अब आगे जाकर सिटी में जब प्री लॉन्च डेट के बाद रेट्स रिवाइज सेकेंड टाइम हो चुके हैं थर्ड टाइम जो रिवाइज होंगे तो जिन जिन मेंबर्स ने भी पहले रेट पे इन्वेस्टमेंट की होगी उसको उस रेट पे काफी अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं अब बाय पॉइंट की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन नोवा सिटी नोवा सिटी में करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट अगर देखें आज की डेट में तो नोवा सिटी में फॉर द टाइमिंग अभी इनिशियल सिर्फ जो बेसिक वर्क है क्योंकि नोवा सिटी का जो लैंड है वो तकरीबन 80 90 परसेंट लैंड ऑलरेडी लेवल है तो इन्होंने जब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे इनिशियल अर्थवर्क जो है वो स्टार्ट साइट पे हो चुका है साइट पर अगर आप जाकर साइड स्टेप ऑन ग्राउंड विजिट करते हैं तो आपको साइट पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो कंप्लीट हुआ मिलता है इसके अलावा कुछ जगह पे मेन रोड भी कंप्लीट हो गए हैं कुछ सेक्टर रोड्स भी कंप्लीट हो गए हैं कुछ ऑफिसे के लिए स्पेस है वो कम्प्लीट गई है जिम जो प्रॉपर जिम के लिए जिमनेजियम है उसकी साइड पर कंस्ट्रक्शन हो रही है इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं वो हो रही हैं मेरा ख्याल है कि अगले साल से डेढ़ साल के दौरान नोवा सिटी में डेवलपमेंट का बहुत बड़ा बूम आएगा जिससे जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छा रिटर्न आएगा अब यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं एक इंटरव्यू देख रहा था चेयरमैन ऑफ नोवा सिटी जुनेद भाई का उन्होंने कहा था कि हम नोवा सिटी में एक जो चीज़ लेके आ रहे हैं मार्केट से हट के वो ये है कि हम अपने मेंबर्स को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप 75 फाइव परसेंट ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट पे करें 25 फाइव परसेंट आप कमिटमेंट करें पोजेशन लेने के बाद यानी ही इज दैट मच कॉन्फिडेंट दैट ही इज गोइंग टू डिलीवर विद इन ड्यू टाइम चार साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है तो चार साल के अंदर ही इज गोइंग टू डिलीवर जब वो डिलीवर होगा तो ट्वेंटी फाइव परसेंट अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो तब ली जाएगी मेंबर से जो भी मेंबर्स नोवा सिटी में इन्वेस्ट करेंगे अब इसमें एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि इसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस के अलावा कि टोटल अगर प्लॉट की कीमत मतलब है लग सी बीस लाख आपने किस तरह चार साल में जो पंद्रह लाख पे करना है पांच लाख आपका पोजेशन पे है ट्वेंटी फाइव परसेंट एक बहुत बड़ी डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है डेवलपर का कि यस ही इज गोइंग टू डिलीवर ही ही मीन्स बिजनेस अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ कि अगर इस पोजेशन की बात से हट के कि इस वक्त जो करंटली नोवा सिटी की सराउंडिंग में जो प्लॉट्स हैं जहाँ पे एयरपोर्ट की सराउंडिंग में बाकी प्लॉट्स की प्राइसेस देखते हैं आप तो आपको पाँच महल का कॉमन प्लॉट मिलता है अराउंड फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी लाख रुपीज़ की ब्रैकेट में कनाल का प्लॉट आपको जो कॉमनली जो प्राइस मिलती है वहाँ पर एवरेज प्राइस तकरीबन ट्वेंटी मिलियन टू तो थर्टी मिलियन पच्चीस मिलियन से लेकर तीस मिलियन से मुराद है ढाई करोड़ से लेकर तीन करोड़ आपको कॉमन प्राइस मिलती है तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये चीज़ ऑफर की जा रही है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं यानी कि दिस प्रा, दिस प्राइज़ इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसमें कोई आपने किसी मेंबर ने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं तो मेरा ख्याल है कि नोवा सिटी की तरफ से एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है ये वाला कि 25 परसेंट ऑन द पोजेसन एंड रिमेनिंग 75 परसेंट इन द फोर ईयर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान तो किसी भी मेंबर के लिए जो नोवा सिटी में इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में एक अच्छी अमाउंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स से एग्जाम्पल दी कि जो दस साल के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट का वन थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड हासिल कर चुके हैं इन सम केसेज हंड्रेड टू थाउजेंड परसेंट यानी कि Uh, जो पंद्रह लाख का प्लॉट था वो अगर तीन करोड़ का हो गया तो टू थाउजेंड परसेंट आर ओ आई उन्होंने गेन किया है विद इन टेन ईयर्स तो पर एन जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है दैट इज़ टू हंड्रेड परसेंट तो इतना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आमतौर तौर पर किसी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है अगर आप एयरपोर्ट की प्रीमियसिस में जाते हैं तो आपको ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलता है ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ओल्ड बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट जो शहर के अंदर मौजूद था कुराल चौक के साथ इस एरिया में किसी दौर में रेट था 25,000 पर मरला और आज यहाँ पे रेट है तकरीबन 20 लाख पर मरला तो यहाँ पे जो रेट है आप मटीप्लाई करने शायद ट्वेंटी थाउजेंड से हटके ज़्यादा ऊपर चला गया हो इतना बड़ा गेन हासिल हुआ लेकिन इसको ट्वेंटी फाइव से थर्टी ईयर्स का टाइम लगा तो नोवा सिटी के सराउंडिंग में जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है तो उन्होंने यही गेंद जो है वो दस साल के टाइम फ्रेम में हासिल किया है अगर आप से आज से दस साल बाद के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है कोई डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है कोई हिडन चार्जेस नहीं है आपने जो प्रिंसिपल प्राइस प्लॉट की पे करनी है वही फाइनल प्राइस होगी कोई इसमें दूसरे चार्जेस शामिल नहीं है बाकी सोसाइटिस में होता है कि दूसरे चार्जेस भी शामिल होते हैं बट लेटर स्टेज पर ऐड किए जाते हैं सो सोवेज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको नोवा सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर पर रबाता कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़